खेसारी की फसल में कभी कभार भुआ पिल्लू या लाही की समस्या देखी जाती है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 इसी दवा को 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बुआई करने से पहले बीज में ही मिला दें, इसके बाद बुआई करें। अगर फसल पर लाही का प्रकोप देखा जाए तो इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 इसी दवा का 1.5 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड का 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करनी चाहिए, या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करनी चाहिए। फलियों के पकते ही पौधा सूखने लगता है, उसी समय फसल की कटाई करनी चाहिए। इसके बाद फलियों को सुखा लें और दाना को अलग कर लें। इसके बाद दाने को सुखाकर ही भंडारित करें। पहले हम लोकल वैरायटी लगाते थे, पुराना वैरायटी, और अब इस साल ही मिला है खेसारी का प्रोजेक्ट करने के लिए, और दोनों में स्वाद में भी अंतर है। दूसरी चीज़ है कि इसमें कल्ला बहुत ज़्यादा होता, उसमें कल्ला नहीं उतना निकल पाता, और फिर पैदावार तो अभी कुछ ही मिनट में आपके सामने थ्रेसिंग भी हो जाएगी। पुराने वाले वैरायटी में होता था क्या कि 4 दाना से 5 दाना होता था, इसमें किसी किसी में 7 दाना, जबकि स्वाद में भी बहुत अंतर हो जाता है। कुछ कुछ चना का जैसा भी इसमें स्वाद है, और उसमें लोकल वाला में होता है कि कुछ में हरियाई, मैंने हरा जैसे बोलते हैं ना कि जिस ढंग से हल्दी खाते हैं तो हरियाई ना लगता है। इसको तो हम सोचते हैं कि पैकेटिंग में करके मार्केट में भी सेल किया जाए, कारण जब रोग मुक्त है तो ऐसे भी करना भी ज़रूरी है, और सब लोग चाव से खाएंगे। कोई भी चाहेगा कि बीमारी थोड़े ले, सब तो बिना बीमारी मुक्त होना चाहते हैं। इस प्रकार अगर आप खेसारी की इन दो किस्मों रतन और प्रतीक की वैज्ञानिक खेती करते हैं तो निसंदेह आपको बेहतरीन उपज प्राप्त होता है, और साथ ही देश में दाल की कमी को पूरी करने में मदद मिलती है।